देश की राजधानी दिल्ली का तापमान भले ही नीचे जा रहा हो, लेकिन सियासी गलियारे का तापमान लगातार चढ़ता ही जा रहा है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। खासतौर से अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी लड़ाई तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अनधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा इस वक्त बेहद गरमाया हुआ है, जिसे लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी इसका श्रेय लेने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, जिस पर एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर आपको घेरा था। जावड़ेकर ने लिखा था, अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। एनसीटी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता के लिए सरकार ने एक विधेयक पारित किया है। लोगों को कोई संदेह नहीं है कि आप पर ये उल्टा पड़ेगा। आप हर समय सभी लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। प्रकाश जावड़ेकर के ट्वीट पर आम आदमी पार्टी भी जवाब देने से पीछे नहीं है। अब आपने जावड़ेकर को करारा जवाब देते हुए उन पर तंज कसा है। आपके ट्विटर हैंडल से प्रकाश जावड़ेकर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा, सहमत, ये आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 1700 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन्हें साथ कर अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटी है, जिसे लेकर दोनों ही दल एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। लेकिन इन 40 लाख लोगों के मन में क्या है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।